बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 यानी जो इस बुक का दूसरा चैप्टर है उसका आज हम शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। मसलन इसका जो टॉपिक है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट किसे कहते हैं? स्पोर्ट एंड मूवमेंट, स्पोर्ट कहते हैं सहारे को, ठीक है, यानी समथिंग दैट होल्ड्स यू अप, जो चीज़ आपको खड़ा रखे, सही, जो चीज़ आपको खड़ा रखे उसे उसे स्पोर्ट कहते हैं, सहारा। और मूवमेंट किसे कहते हैं? हरकत, ठीक। सो यानी हम देखेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो किस तरह आते हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हरकत किस तरह करते हैं, और फिर जो उनको बॉडी को सहारा देता है, बॉडी को जो शेप देगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो किस तरह बॉडी के अंदर आते हैं। सो इसके अंदर हम स्पोर्ट मूवमेंट दोनों के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज यानी प्लांट्स में भी पढ़ेंगे हम, पौधों में एंड एनिमल्स दोनों को, इन दोनों की दोनों चीज़ों की जरूरत होती है। मसलन प्लांट्स और एनिमल्स बगैर सहारे के ज़मीन पर खड़े ही नहीं हो सकते, और जब वो खड़े नहीं हो सकते तो वो हरकत भी नहीं कर सकते, ठीक है। यानी दोनों ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इनका क्या कनेक्शन है ये हमारे सस्ते देखेंगे किस तरह होता है। अलबत्त एक चीज़ तो ज़रूरी है कि दोनों के लिए, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, हरकत सहारा दोनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्लांट्स ज़्यादातर नॉन यानी ये मूवमेंट नहीं करते, सही, यानी दे डू नॉट मूव, ठीक है, यानी दे डू नॉट मूव, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इनके अंदर यानी जो उनके पत्ते शत्ते यानी जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हम मूव करेंगे, हम वो बात करेंगे उनकी मूवमेंट्स की, लेकिन वैसे जनरली एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स कभी भी हरकत नहीं कर सकते। अलबत्त इन्हें सहारे की जरूरत होती है, ठीक है, दे हैड टू स्टैंड अप, यानी उन्हें जमीन के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें सहारे की जरूरत होगी। और इसके अंदर जो मेन रोल है वो टर्गर प्ले करे रोल प्ले करेगा, फिर हम टर्गर के बारे में भी जानेंगे। टर्गर के अलावा कुछ इसके अंदर सपोर्टिव टिश्यूज होंगे, उनके बारे में भी जानेंगे कि प्लांट में सपोर्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, ठीक है। एनिमल्स को हरकत भी रिक्वायर्ड होती है और स्पोर्ट भी, ठीक है। स्पोर्ट के लिए एनिमल्स के अंदर स्केलेटन होता है, ठीक है, फॉर स्पोर्ट, स्पोर्ट के लिए स्केलेटन होता है, जिसे हम ढांचा भी कहते हैं, स्केलेटन जो कि बोन से बना होता है, हड्डियों से, यानी हमारे अंदर हड्डियां होती हैं जिसका ढांचा होता है, जिसने हमारे जिस्म के हिस्सों को आपस में जोड़ा भी होता है और उसे यानी खड़ा भी किया होता है, यानी सहारा दिया होता है, सही। मूवमेंट के लिए इन्हीं इसी स्केलेटन के साथ मूवमेंट के लिए कुछ मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है, यानी मूवमेंट के लिए जो हड्डियों को हरकत में लाएगा वो कौन होंगे? मसल्स, सही। सो एनिमल्स को सपोर्ट देने के लिए स्केलेटन है, मूवमेंट के लिए मसल्स हैं। प्लांट्स मूव नहीं करते, जनरली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसके अलावा सपोर्ट देने के लिए इसके अंदर एक टर्गर प्रेशर का रोल होता है एंड सपोर्टिव टिश्यू, सही। अच्छा, मैंने नीचे एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, आपको मसल सपोर्ट समझाने के लिए। मसल ये एक कह लेंगे फुल लेंथ आदमी है, इसके अंदर हड्डियां हैं, सारा ढांचा वगैरह मौजूद है। सो अगर इसमें से ढांचा निकाल दें, सो इट विल बी फ्लैट आउट, यानी बिल्कुल ही बैठ जाएगा सिंपल, सही, यानी ये कह लें कि विद स्केलेटन है, विद स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन जो कि क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट, सही। और अगर हम इसमें स्केलेटन निकाल लें, सो ये विदाउट स्केलेटन है, बिल्कुल बैठ जाएगा ये, सही, यानी कह लेंगे आपकी हड्डियां बीच में से निकाल ले जाए तो आपके जिस सिर्फ गोश्त रहेगा, गोश्त को ना खड़ा हो सकता है ना चल सकता है, सही। सो इसलिए स्पोर्ट है मूवमेंट एनिमल्स में भी जरूरी होता है, प्लांट्स में भी जरूरी होता है, सही। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स इन प्लांट्स के बारे में पढ़ने के लिए, कि प्लांट्स में स्पोर्ट्स किस तरह आती है। सो ये आपको नजर भी आ रहा होगा फिगर, ठीक है, ऐसी फिगर से स्टार्ट करते हैं। मसलन एक जो सा है क्लास, उसका ना जो सा पौधा है वो स्टेट ऑफ एलाइट, इट इज स्पोर्ट, ठीक है, यानी इसको जिसका किसी ने सहारा दिया हो, जबकि एक के अंदर मुरझाया हुआ है। सो बेसिकली हमने पढ़ना क्या, पहले लिख लेते हैं हम, दैट इज स्पोर्ट इन प्लांट। सो इसमें आपको दोनों फिगर्स नजर आ रही हैं, पहली और दूसरी। तो जो पहली वाली फिगर मतलब फर्स्ट वन, ये स्पोर्टिव है, यानी इसमें देखें तो आपको प्लांट खड़ा नजर आएगा, इसके अंदर बैठा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, जो हमने क्या लेंगे जो भी चीज़ है। सो इसके अंदर ये खड़ा हुआ क्यों है? बिकॉज इट कंटेन टर्गर, ठीक है, ये इसमें टर्गर नहीं होता। अब हम देखते हैं टर्गर किस तरह डेवलप होता है वाला। सो इसके लिए याद होना चाहिए कि मसलन हमने जब प्लांट सेल पढ़ा था, यानी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो इसके अंदर लाइक ये लार्ज सेल है, सही, और इसके बाहर सेल वॉल होती है,
और बीच में लास्ट सेंट्रल वैक्यूल होता है, से साइड पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यानी ये सेल वॉल, अब ये सारे मुझे लेबल करने पड़ेंगे साथ साथ, सेल वॉल है, फिर अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस होता है क्या है कि जो वाटर है इट गेट इन टू द वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से वैक्यूल क्या करेगा, इसके जेल के अंदर बाहर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, सही, कि वैक्यूल जब फिलअप होगा सो वो क्या करेगा, जो सेल कंटेंट है इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, टर्गर प्रेशर, सही। और इस टाइम जो सेल होगा जिस कंडीशन में, हम टर्जिड कंडीशन कहेंगे, जब ये सेल टर्गर प्रेशर, मतलब इसकी एक और डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आएगी, लाइक यही चीज इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की, यहाँ पे ज्यादा आपको क्लियर नजर आ रहा है। मसलन फर्स्ट केस के अंदर अगर देखें आप, तो वैक्यूल भरा हुआ है पानी से, ठीक है, इसके अंदर साल से पानी वगैरह होता है, सो ये भरा हुआ है, इसके इर्द गिर्द आपको ऑर्गेनेल्स नजर आ रहे, सो जो सेल है वो फैला हुआ है, जबकि दूसरी तरफ कह लें कि जो सेल है वो सुकड़ा हुआ है, ठीक है। सो जो सेल नॉन टर्जिड होता है, जिसे हम फ्लेक्सिड भी कहते हैं, इट इज फ्लेक्सिड एंड दिस वन इज टर्जिड, सो जो फ्लेक्सिड होता है उसकी वजह से जो प्लांट है वो कभी भी कह लेंगे स्ट्रेट अप नहीं हो सकता, ठीक है, यानी उसके पत्ते बैठ जाएंगे, उसके फूल मुरझाना जिसे कहते हैं, फ्लेक्सिड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। टर्जिड में ये होगा कि प्लांट एक किस्म का खड़ा रहेगा, नहीं उसके फूल अपनी लोकेशन पे रहेंगे, पत्ते अपनी जगह पे रहेंगे और खड़े रहेंगे, सही। सो यानी ये छोटे छोटे सेल्स हैं, अगर ये सख्त हो जाए तो इस तरह पूरे प्लांट बॉडी को सख्ती एक सहारा सा मिलता है, ठीक है, इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और ये प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। टर्गर प्रेशर क्यों जरूरी है, वाई टर्गर, ठीक है जी, कोई पूछे जी वाई टर्गर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, तो सिंपली प्लांट्स डोंट हैव स्केलेटन, प्लांट्स डोंट हैव बोन, ठीक है, इनके पास बोन्स नहीं होती, हड्डियां नहीं होती, ये किस तरह खड़े रहेंगे, तो जाहिर बात इनके जो सेल है वो हर सेल अपने आप को मजबूत करेगा, जिसकी वजह से पूरे प्लांट की मजबूती बनेगी, सही। और मजबूत करने का जो इनके पास रास्ता है वो यही है कि ये अपने वैक्यूल के अंदर पानी भरें और सेल को कहने के टर्जिड कर दें, टर्गर प्रेशर के जरिए, ठीक है। और इसके अंदर एक बात और ज़हन में रखने वाली है, ठीक है, वो ये है कि ये वैक्यूल है, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज वैक्यूल, सॉरी दिस इज वैक्यूल, और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो इस वैक्यूल को बना रही है, लाइक मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका एक्सप्रेशन नेम है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है, टोनोप्लास्ट, सही। टोनोप्लास्ट क्या करते हैं कि जब यानी सेल को टर्गर की जरूरत होती है, यानी टर्जिट होना होता है, तो ये बाहर से साल्ट इंपोर्ट करती है, सही है, अपने अंदर नमकियात भरेगी, मतलब सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर वाटर भी आ जाएगा, ठीक है। वाटर फिर खुद बहुत सोल्यूट पोटेंशियल की वजह से एंटर होता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन के जरिए, सिंपल प्रोसेस। बाज का डिफ्यूजन ना हो तो फिर क्या करेगी, अपने अंदर साल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है, अपने अंदर साल्ट्स को एक्युमुलेट करेगी, फिर जिसके पीछे पीछे पानी भी आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल की वजह से पानी इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से टर्गर डेवलप होगा। और टर्गर प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, इट इज गिविंग देम मैकेनिकल सपोर्ट, सो विदाउट टर्गर प्लांट्स कैन स्टैंड अप, यानी प्लांट्स उनसे वो खड़े नहीं हो पाएंगे, सही। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, मसलन ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेम से मुराद क्या है भला, कि ये पूरी स्टेम है, लाइक यानी ये आगे इस तरह, जिस तरह शाख होती है प्लांट की, ये काट कर दिखाएगी, ठीक है, काटने से मतलब मसलन ये अगर प्लांट है, सही, सो इसका इवन क्रॉस सेक्शन लिया गया है, ठीक है, इसे काटा गया, उसके बाद इसे शो अप किया गया इस तरह, ठीक है, फिर हमें महसूस होता है कि जी इसके सेंटर, यानी ये इसके सेल्स के अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसके बाहर एपिडर्मिस है, फिर बीच में फाइब्रस टिश्यू, जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहेंगे, और बीच यानी जाइलम और फ्लोएम, बीच में ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक, और जो साइड पे इसके कोलेनकाइमा सेल्स हैं, कोलेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम,
और दूसरा पैरेन्काइमा, और जाइलम और फ्लोएम जो से हैं ये स्क्लेरेन्काइमा फाइब्रस शीट जो से है ना सारी स्क्लेरेन्काइमा के अंदर आती है। सो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कहने के टिश्यूज होते हैं, कोलेनकाइमा थर्ड वन, देन पैरेन्काइमा सेकेंड वन, एंड फर्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये जाइलम एंड लिख देता हूँ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। कोलेनकाइमा ये बाहर के कह लेंगे हार्ड सेल्स होते हैं जो कवरिंग की बनाते हैं, और इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, सेकेंडरी ग्रोथ भी करेंगे। और पैरेन्काइमा ग्राउंड सेल्स होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज भी कहा जाता है इसे, ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है। इसके अंदर फूड स्टोर होती है। सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लेंगे जो टिश्यूज हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोलेनकाइमास और स्क्लेरेनकाइमास आएंगे, ठीक है। क्यों क्यों इनकी सेल वॉल्स मजबूत होती है, ठीक है, और कह लें कि ये फाइबर्स पाइपलाइन की शक्ल में होते हैं, तो इस वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, हम स्क्लेरेनकाइमा और जो कोलेनकाइमा इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा लाइक पहले वाले पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं, फिर दूसरे कोलेनकाइमा टिश्यूज, देन स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, स्क्लेरेनकाइमा आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे ये वाले, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर आप देखें तो सेल वॉल्स विद लिग्निन, सबसे पहला पॉइंट ये होगा इसके हैव दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल, क्योंकि जो सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो बहुत थिक होगी, उसके अंदर लिग्निन शामिल होती है, जिस तरह कह लेंगे सीमेंट में सरिये मौजूद होते हैं, इस तरह ये उसको मजबूती प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग से मुराद के दे आर ऑलमोस्ट डेड सेल्स, सही, और डेड से मुराद ये मजबूत होंगे और यानी और इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कह लें कि प्लांट बॉडी को, यानी दे आर डेड सेल्स, मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, सो ये बॉडी को, सॉरी प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, उसको मजबूती देंगे, ठीक। फिर इसकी टाइप्स जो आते हैं, इसकी मोस्टली थ्री टाइप्स हैं, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमास हैव थ्री टाइप्स, जिसमें सबसे पहले तो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं सिलेंड्रिकल्स लाइक दिस लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल्स होते हैं, और ये जाइलम के अंदर पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन जाइलम, ठीक है। और इसके अंदर से वाटर ज्यादातर क्रॉस होता है, ठीक है, दे आर यूज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, के इसमें से वाटर जो है वो ट्रेवल करता है विद इन प्लांट बॉडी, और इसके अलावा ये डेड होते हैं। और सेकेंड जो है इसके अंदर दैट इज स्क्लेराइड, स्क्लेराइड्स, सही, स्क्लेराइड्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं लाइक स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, इस तरह ये भी कह ले के मजबूती प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी प्लांट बॉडी को, प्लांट की स्टेम के अंदर ये किस्म की सॉलिड पार्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, ये भी डेड होते हैं। इसके अलावा वेसल्स होती हैं, वेसल्स भी फाइबर्स की तरह होते हैं लेकिन बट दे आर लिंक्ड विच अदर, इस तरह बड़े बड़े होते हैं, इनका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। सो यानी इन्हें ये एक्चुअल जाइलम ये हैं, ठीक है, जो वाटर कंडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, सही। और फिर इसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव एलिमेंट्स जिसे कहा जाता है कि जिसके अंदर से वाटर पास करते हैं, और सॉरी सीव एलिमेंट नहीं होते बल्कि इसके अंदर ये पाइप लाइन्स होते हैं सिंपल, जिसके अंदर ये हेड टू हेड जुड़े होते हैं और उसमें से वाटर क्रॉस करता है, ठीक है। ये हो गया जिस स्क्लेरेनकाइमा सेल, जिसके अंदर हमने कहा जो थिक सेकेंडरी सेल वॉल है, सही, इसके जो पॉइंट्स हमने नोट किए, थिक सेकेंडरी सेल वॉल, और फिर नॉन लिविंग होते हैं डेड सेल्स, यानी, और फिर डेड सेल्स की वजह से क्या होगी, इसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी। और फिर इसके तीन टाइप्स हो गए, फाइबर्स, स्क्लेरिड्स, एंड लास्ट में मैंने लिखा ही नहीं इसका, दैट इज वेसल्स, ठीक है, ये क्या है, वेसल्स। सो थर्ड वन इसमें वेसल्स आ जाएंगे, और फाइबर्स और वेसल्स का ऑलमोस्ट वाटर कनेक्शन काम है, स्क्लेरिड स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं, सही, और ये भी मजबूती प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, आगे कोलेनकाइमा सेल्स भी आते हैं, सो इनके अंदर क्या है कि ये लिविंग होते हैं, सबसे पहली पार्ट तो ये नॉन लिविंग नहीं होते बल्कि ये लिविंग होते हैं,
इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट शामिल होगा, सही, और इनको यानी कि सारा कुछ इसमें जो मेटाबॉलिक वर्क होगा सारा जिस तरह आम सेल में होता उस तरह होगा। इसके अलावा दे डोंट हैव सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, डोंट डू नॉट हैव सॉरी डोंट हैव सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, इनकी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी जिस तरह हम उसमें हम स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा था, ठीक है। तो इसके अलावा ये कह लें कि ट्यूब्स के अंदर रेंज होते हैं, बंडल्स के अंदर रेंज होंगी, ठीक है जी, बंडल्स ऑफ ट्यूब की तरह जिसमें आपको ऊपर भी नजर आ रहा है, ठीक है, जिस तरह ट्यूब्स बंडल्स की शक्ल में रेंज हो उस तरह रेंज होते हैं, और इनकी प्राइमरी वॉल थिक होती है, ठीक है, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल इज थिक, ठीक है, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती लेकिन प्राइमरी सेल वॉल ही थिक हुई होती है जिसकी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और ये मोस्टली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यंग हर्बेशियस प्लांट्स को, ठीक है, कि जो जड़ी बूटियां होती हैं ना उनके अंदर हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर ये स्पोर प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड स्पोर इन यंग हर्बेशियस प्लांट्स, सो दीज आर लिविंग, कोलेनकाइमा टिश्यूज की बात करें दीज आर लिविंग, डोंट हैव सेकेंडरी सेल वॉल, बंडल्स ऑफ ट्यूब्स की तरह ये अरेंज होते हैं, और प्राइमरी सेल वॉल इनकी थिक होगी, और हर्बेशियस प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए ये यूज होते हैं, सही। सो ये हो गया कोलेनकाइमा टिश्यूज के बारे में। इसके अलावा अगर पैरेन्काइमा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें तो हम वैसे इसकी इतना रोल नहीं होता कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, अलबत्ता दे स्टोर फूड, फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैकेनिकल सपोर्ट देंगे बाय टर्गर, टर्गर के जरिए मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, सही, तो ये भी कह लें कि सपोर्ट के अंदर रोल प्ले करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सपोर्ट का रोल है वो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा में गए। सो ये सपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में हमने बात की। सो अब हम रिवाइज कर लेते हैं, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने सपोर्ट मूवमेंट का इंट्रोडक्शन किया, मतलब सपोर्ट सहारा को कहते हैं, ठीक है, एनी थिंग दैट स्टैंड अप समथिंग, यानी कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को खड़ा रखे उसे सहारा दे अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, उसे हम सपोर्ट कहेंगे। और इसके अलावा मूवमेंट के जो किसी चीज़ में हरकत लाए, यानी अपनी जगह तब्दीली, यानी जगह अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा सके हरकत कहेंगे। सो प्लांट्स यूजली डो नॉट मूव बट दे हैव टू मेंटेन देयर सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है, उसके लिए टर्गर होता है और सपोर्टिव टिश्यूज हैं जो हमने आगे जाके पढ़े, दो किस्म थे, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा। एनिमल्स में सपोर्ट भी होती है और मूवमेंट भी, सपोर्ट के लिए स्केलेटन बोन्स मौजूद होती हैं जबकि मूवमेंट के लिए मसल्स यूज होते हैं। फिर हमने एक डायग्राम देखी जिसके अंदर आइडिया हुआ जनरल कि विदाउट स्केलेटन हमारा किस तरह का अपीयरेंस होगा, सही। फिर उसके बाद हमने स्पोर्ट्स इन प्लांट से हमने टॉपिक स्टार्ट किया, तो हमने कहा जी कि फॉर एग्जांपल आपको केस नंबर वन के अंदर देखें तो प्लांट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा नजर आ रहा है, जबकि दूसरे केस नंबर टू के अंदर जो प्लांट है ये मुरझाया हुआ है, ठीक है, फ्लेक्सिड कंडीशन में। सो इसकी रीजन क्या थी, टर्गर था, ठीक है, टर्गर को थोड़ा बहुत हमने इस तरह एक्सप्लेन किया कि जो सेल होता है प्लांट सेल उसमें जो सेंटर में वैक्यूल होता है ये अपने अंदर वाटर और सॉल्ट वगैरह जमा कर लेता है, ठीक है, H2O प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरह पोटाशियम आयंस होते हैं इसके अंदर, तो ये जमा कर जिस वजह से इसके पीछे पीछे वाटर ट्रेवल करता है, उस टाइम जो वैक्यूल है ये फिलअप हो जाता है, फिलअप होने के बाद ये अपने सराउंडिंग के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसे हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। टर्गर प्रेशर की वजह से जो सेल है सॉरी जो प्लांट है ये कहने के स्टैंड अप कंडीशन में रहेगा, ठीक है, सख्त रहेगा, जबकि अगर ये प्लांट प्लांट सेल जो अपना वाटर लूज कर ले सो दोबारा ये फ्लेक्सिड कंडीशन में मुरझा जाएगा, ठीक। सो उसके बाद हमने बात की कि वाई, अच्छा यहाँ पे मैं एन लिखना भूल ही गया, वाई टर्गर, सो टर्गर क्यों होता है, बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव बोन्स, ठीक है, प्लांट्स के पास तो हड्डियां नहीं होती, सो उसके लिए फिर वहां पे टर्गर रिक्वायर्ड होता है, सही। फिर उसके बाद हमने स्टेम का स्ट्रक्चर काट के देखा, तो हमने देखा जी जो बेसिक टिश्यूज हैं वो तीन टाइप्स के, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा है और पैरेन्काइमा, सही, वन टू थ्री टाइप्स के ये टिश्यूज इसके अंदर मौजूद होते हैं, और इसमें जो मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा होते हैं। फिर हमने इनके अलग-अलग स्ट्रक्चर देखा, सो ये डेड सेल्स जो से हैं ये स्क्लेरेंकाइमा कैटेगरीज में आते हैं, और इसमें ये ट्यूब्स बनी होती हैं और वेसल्स होते हैं और स्क्लेरिड्स, और स्क्लेरिड्स जो से यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, स्क्लेरिड्स ज़्यादातर सीड्स में यूज होते हैं, ठीक है, जो सीड्स के
चेस्टा होता है ना, आउटर कवरिंग, उसके अंदर फ्लैरिड्स की बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है, सही। ये भी डेड टिश्यूज होते हैं। और फाइबर्स वैसे तीन टाइप्स हो गए, नॉन लिविंग है, और सिर्फ नॉन लिविंग और डेड मैंने गठे ले दी है, सही। तो इसकी जगह डेड की जगह पे आप कह सकते हैं स्पोर्ट करते हैं, स्पोर्टिव टिश्यूज है। अच्छा, थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है इनकी, सेल वॉल सेल वॉल थिक होगी। फिर उसके बाद कोलेनकाइमा सेल्स देखा हमने, ये लिविंग होते हैं, डू नॉट हैव सेकेंडरी सेल वॉल, इनकी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, और बंडल ऑफ ट्यूब्स की तरह इनकी अपियरेंस होती है। प्राइमरी सेल वॉल थिक होती है, हर्बेशियस प्लांट्स स्पोर्ट के अंदर मोल में रोल प्ले करते हैं। पैरेनकाइमा हमने जस्ट टच किया कि जी फूड स्टोर करते हैं, और टर्गर के जरिए प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्कैंडी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे।